स्वास्थ्य विभाग की आशा डायरियों की अवैध छपाई के मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने स्वास्थ्य विभाग पर कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस गौरख धंधे के बाद परत दर परत और भी मामले अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर की जाँच में सामने आने की संभावना है। आशा डायरी घोटाला मामले में जाँच जारी। जिला अस्पताल स्टॉक रूम की भी हुई जांच। अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने दी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग में छपी आशा डायरियों के मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने दो लोगों को तत्काल निलंबित कर दिया और जांच कमेटी बना दी। लेकिन इस मामले में खुलासा हुआ है कि ये डायरियां छपने का आदेश खुद स्वास्थ्य विभाग इंदौर ने ही दिया था। CMHO डॉक्टर BS सत्या के आदेश से 24 मई 2022 को ये डायरियां छापने का आदेश मध्य प्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार एवं मर्यादित भोपाल को गया था। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने जांच की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर डॉक्टर अभय बेड़ेकर को सौंपी, जिसके बाद अपर कलेक्टर ने मंगलवार को दिन भर पालिका प्लाजा स्थित स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में लंबी जांच की। सुबह से ही उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी थी, जो शाम तक चली और अभी भी इसकी जाँच जारी है। बुधवार को अपर कलेक्टर अपनी टीम के साथ जिला अस्पताल के स्टोर पहुंचे व स्टॉक के साथ रिकॉर्ड की जाँच की। बेड़ेकर ने रजिस्टर की भी एंट्री चेक की। इस दौरान उन्होंने स्टोर के सभी कर्मचारियों को बाहर कर दिया था। आशा डायरी का मामला सामने आने के बाद करीब 150 फाइलों की जांच चल रही है। अभय बेड़ेकर ने बताया कि विभाग ने सामग्री खरीदी, प्रिंटिंग में नियमों को दरकिनार किया है और कुछ खास लोगों को ही ये काम मिलता था। इसकी जांच हो रही है। NHM के 2 साल के सारे रिकॉर्ड की जाँच चल रही है। इसके अलावा अन्य मामलों में भी प्राथमिक तौर पर स्वास्थ्य विभाग में चल रहे और भी अन्य कई मामलों का खुलासा होने की संभावना है। गौरतलब है कि आशा डायरियां छापने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य समिति की बैठक में सोमवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने हाथों हाथ अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर के नेतृत्व में जांच दल गठित कर बीते 2 साल की खरीदी बिक्री की जांच के आदेश दे दिए थे। नहीं, निष्कर्ष तो अभी कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि जांच में इसमें लंबा समय लगेगा, क्योंकि बहुत गहन जांच होगी और सभी आशा डायरिया जो है वो सभी जोन और सभी हमारे ब्लॉक्स में जाती है। अभी हम लोग सभी का स्टॉक भी वेरीफाई करा रहे हैं और जो आवश्यक हमारे को लग रहा है उनके बयान भी लिए जा रहे हैं, तो अभी कोई निष्कर्ष आया ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा, अभी जांच चल रही है। सर, जिला अस्पताल में अभी आप गए थे? जिला अस्पताल हम लोग स्टॉक वेरीफाई करने ही गए थे। सर, CMHO साहब का कहना है कि उन्होंने भोपाल में ही सभी ऑर्डर दिए थे, भोपाल के लिए हुए थे, और उसमें सर गुलजार का नाम आ रहा है सर, इसी क्या भी क्या है सर इस मामले में? नहीं, इन्होंने राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को आदेश दिए हैं और राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ से संभवतः गुलजार को आदेश गए होंगे। CMHO क्या कह रहे हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं तो तथ्यों की जांच कर रहा हूँ। अभी यानी कि सर आज भी जांच हो रही चल रही है।